हेलो फ्रेंड्स, रानू की अपनी रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए बनाते हैं आज फिर से एक नई रेसिपी। रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है साबुत मूंग और सूखी हुई मटर, दोनों रात में भिगोने के लिए रख दिया था। दोनों अच्छे से फूल गए हैं। अब चलिए इनको ग्राइंड कर लेते हैं। इनको एक छलनी में अच्छे से छान लेंगे। इनको छानने के बाद मिक्सी के जार में डालेंगे और दो चार कलियाँ लहसुन की और उसी में दो चार हरी मिर्च और थोड़ा सा एक चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, प्याज, हींग और थोड़ी सी धनिया की हरी पत्ती और थोड़े से पालक। और मूंग तो वैसे भी सॉफ्ट होती है, जल्दी ही पिस जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक कप डाल देंगे इसमें पानी। यकीन मानिए ये मूंग दाल से भी अच्छे इसकी रेसिपी आती है साबुत मूंग की, और इतनी टेस्टी होती है कि बच्चे भी अगर नहीं पसंद करते पकौड़े वगैरह खाना, वो चाव से खाते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट में बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली रेसिपी की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो कब बना रहे हैं आप ये रेसिपी, आप मुझे कमेंट में बताएं। जब तक अगली वीडियो आती है तब तक आप इस रेसिपी को बनाइए और मुझे बताइए। तब तक मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।